आइए इस पाठ की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपको पता है कि कुत्ते और मछली में क्या क्या अंतर है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप अंतर तो सोच ही सकते हैं। इसके अंतर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। कुत्ते और मछली में कई अंतर है। जैसे कुत्ता एक थलिए या जमीन पर रहने वाला प्राणी है, जहां मछली एक एक्वेटिक या पानी में रहने वाला प्राणी है। कुत्ता लंग से मतलब फेफड़ों से सांस लेता है, लेकिन मछली अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। वहीं कुत्ते के शरीर पर बाल होते हैं, किंतु मछली के शरीर पर स्केल्स मतलब हिंदी में शल्क होते हैं। तो आप दुनिया में जितने भी जानवर देखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, चिड़िया, सांप इत्यादि, सब दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसी प्रकार पौधे जंतुओं से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, और इसी पौधों और जंतुओं की भिन्नताओं के प्रकार को हम विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार मानवों में भी विविधता होती है। तो सीधे शब्दों में पृथ्वी पर मौजूद इस जीव जंतुओं की विविधता को हम जैव विविधता और अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जब पृथ्वी पर इतने ज्यादा पौधे और जंतुओं की प्रजातियां हैं, तो इसे पढ़ने में भी मुश्किल होती होगी। तो इसे आसान करने के लिए एक तरीका बनाया गया, जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।